नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण आपका DSS कोच। आज मैं आप लोगों को ओवरव्यू कराने वाला हूँ हमारा एक नया सेटअप जो एडवांस सेटअप है हमारे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का। ये एंटायर जो सेटअप आप यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा वायरलेस सेटअप है IDS सिस्टम का। IDS सिस्टम क्या होता है मैंने कई बार अपने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये एंटायर चीजों के ऊपर आपको डेमोन्स्ट्रेट देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं IDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, यानी कि कोई भी चोर यानी कि कोई भी इंट्रूडर जब आपके प्रिमाइसेस में घुसपैठ करता है तो उस समय पर अगर आप चाहते हो कि रियल टाइम में अलर्ट मिले, आपको रियल टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको मोबाइल के ऊपर आपको अलर्ट मिल जाए, मोबाइल के ऊपर आपको पॉपअप आ जाए, या तो फिर हमारे ये सिस्टम डायरेक्टली हमारे मोबाइल के ऊपर कॉल करे, तो ऐसा सिस्टम आप वहां पर अपने किसी भी प्रिमाइसिस के ऊपर आप डिप्लॉय कर सकते हो। ऑलराइट, अब ये जो सिस्टम होता है हमारा बड़े बड़े ऑफिस में कॉरपोरेट के अंदर हर जगहों पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके बैंकिंग के अंदर यूज किया जा रहा है, उसके बाद में ज्वेलरी शॉप्स के अंदर बहुत सारे मोबाइल स्टोर्स होते हैं जिनके पास में एक्सपेंसिव मोबाइल्स रखे होते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर जिनको ऐसा लगता है कि उनके जो असेट की वैल्यू है लाखों और करोड़ों का नुकसान हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए रिकमेंडेड होता है कि आप उनको अप्रोच कर सकते हो IDS सिस्टम के बारे में। याद रखें हमारा ये जो IDS सिस्टम है एंटायर सिस्टम ये IP बेस्ड सिस्टम है। यस, हम इससे पहले IDS सिस्टम का कोर्स कराते थे लेकिन वो सारे जो थे वो IP बेस्ड सिस्टम नहीं थे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास में जो सिस्टम्स थे ये IP बेस्ड नहीं थे, लेकिन हमारा यहाँ पर ये जो पैनल है ये हमारा IP बेस्ड पैनल है। याद रखे हमारा जो यहाँ पर पैनल है सिर्फ यही हमारा IP बेस्ड है, इसके जितने भी सेंसर्स होते हैं वो हमारे इस पैनल के साथ में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर रेडियो फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, अच्छा ये जितने भी पैनल के ऊपर डिवाइसेस दिख रहे हैं इनके ऊपर मैं आपको अभी ओवरव्यू करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा पैनल है। ऑलराइट, ये जो पैनल है हमारा मेन IDS पैनल है, ये हिगविजन ब्रांड का है जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये IP बेस्ड पैनल है। अब IP बेस्ड पैनल से फायदा क्या होता है, हम इसकी प्रोग्रामिंग दो तरीके से कर पाते हैं। मोबाइल के जरिए इसमें सारा एक्टिवेशन करना चाहता हूँ, डीएक्टिवेशन करना चाहता हूँ, सारे सेंसर्स को ऐड करना चाहता हूँ, वो सारी चीजें जो होती है मोबाइल के बेस से भी पॉसिबल है। और दूसरा तरीका है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। तो जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हमारे क्या है कंप्यूटर से जो है हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब ये जो IDS सिस्टम है ये हमने क्यों परचेस किया, मुझे बड़े लेवल पर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का प्रोजेक्ट लेना था। इवन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोगों को सिखाना चाहता हूं कि बड़े लेवल पर अगर आप IDS सिस्टम डिप्लॉय करना चाहते हो तो वहां पर रिक्वायरमेंट भी जो होती है और सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स भी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसके लिए हमने यहां पर एंटायर यहां पर पूरा सेटअप बनाया आप लोगों को सिखाने के लिए। जहां पर आप देखोगे तो ये हमारा PIR सेंसर है, एज यूजुअल ये नॉर्मल हर एक IDS सिस्टम के अंदर आपको मिलता है, जहां पर आपका ह्यूमन डिटेक्शंस के लिए काम में आता है। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो वाटर लीक डिटेक्शन आपका जो है सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि वाटर लीक डिटेक्टर। तो यहां पर जैसे कि आप देखोगे तो ये हमारा है इमरजेंसी पैनिक स्विच, ठीक है। तो अगर इमरजेंसी में अगर आपको डायरेक्टली पैनिक करना है, ठीक है, तो बैंक के कैशियर वगैरह पे आपने देखा होगा वहां पर लोग जो है ज्यादातर ये दे सकते हैं। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे हमारे पास में ग्लास ब्रेकेज सेंसर है, उसके बाद में यहां पर हमारे पास में डोर सेंसर है, उसके बाद में यहां पर हमारे पास देखो दो की फोब है जो हमने यहां पर लेकर रखा हुआ है, ये हमारा कीपैड है, ये देखो यहां पर ये जो कीपैड है इससे भी हम आर्म डिसआर्म कर सकते हैं, इससे भी हम कई सारे फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में यहां पर हूटर है, छोटा बहुत ही कूल लुक है, मुझे इस सारे सेटअप में से हूटर काफी ज्यादा पसंद आया। उसके बाद में यहां पर देखोगे तो हमारे पास में RFID टैग है जिससे हम पैनल को आर्म और डिसआर्म कर सकते हैं। अब इतनी सारी जो सेंसर्स है ये जो फीचर है इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया, बहुत गुड वर्किंग है, क्वालिटी भी एकदम प्रीमियम है और इनकी प्राइसिंग भी एकदम प्रीमियम है। ऑलराइट, यानी कि आपको ये जो सेटअप है कहीं पर भी कमर्शियली अगर किसी कॉर्पोरेट में डिप्लॉय करना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है जिसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं। मोबाइल से भी आप काफी सारे फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो, हिक कनेक्ट की एप्लीकेशन के जरिए कंप्यूटर से भी आप कर सकते हो, तो ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, दूसरा हमारा जो ये पैनल है ये हमारे नेटवर्क पर तो कनेक्ट होता ही है, इवन अगर नेटवर्क डिसकनेक्ट हो जाए तो हमारा GSM भी है इसके अंदर, कि अगर आपने इसके अंदर सिम कार्ड लगा रखा है तो आपको जो है कॉल सिस्टम को आप मैनेज कर सकते हो, SMS सिस्टम्स को आप मैनेज कर सकते हो एज यूजुअल जैसे हमारे IDS सिस्टम्स के अंदर होता है।
ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को इसका एक डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एंटायर सिस्टम कैसे काम करता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे एज यूजुअल जो हमारा डोर सेंसर है, इस डोर सेंसर को हम टेस्ट करके एक बार देखेंगे। ऐसे तो हम पीआईआर सेंसर को भी कर सकते, पैनिक स्विच को भी कर सकते, वाटर लीक सेंसर को भी कर सकते। अगर आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओगे कि सर इसके ऊपर और वीडियो बनाए, तो मैं इसका प्रैक्टिकल टेस्टिंग वीडियोस और लेकर आऊंगा जहां पर मैं वाटर लीक डिटेक्टर को टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं हमारे पीआईआर सेंसर को टेस्ट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस ये सारे जो डिवाइसेज है, कंपोनेंट है, ये बहुत ही बढ़िया है और आप कमर्शियली इसको कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हो। ऑलराइट, अच्छा यहां पर अगर आप देखोगे, मैं इसे टेस्ट करने के लिए पहले सिस्टम को आम करता हूँ। तो आम करने के लिए मेरे पास में बहुत तरीके हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन से कर सकता हूँ। उसके बाद में आप RFID टैग, यानी कि हमारा RFID टैग है, इससे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास की फॉब है, की फॉब से भी मैं इसे जो है आम कर सकता हूँ। तो बहुत सारे मेथड है, मैं RFID टैग यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, यहाँ पर आप देखिए ये हमारा जो सिस्टम है, ये देखिए ये एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसे जो है, ये देखिए मैंने जैसे ही डिस्टर्ब किया ऑटोमेटिकली सायरन बजने लग गया, यू कैन सी। ये देख सकते हो मैंने RFID टैग यूज करके एक्टिवेट भी किया, RFID टैग यूज करके मैं डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो बहुत सारे तरीके होते हैं एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के हमारे इस आईडीएस सिस्टम के अंदर। अच्छा, इसका और एक खासियत है जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखिए ये सारे सिस्टम्स के ऊपर ना मैं कोर्सेज चला रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना चाहते हो और आईडीएस सिस्टम के अंदर प्रो बनना चाहते हो, देखो इट्स नॉट अबाउट ओनली वायरलेस आईपी सिस्टम। हमारे पास में जो नॉर्मल जो हमारा आईडीएस सिस्टम होता है, जो जीएसएम बेस होता है, 2G 3G 4G पे जो चलता है, वो हमारे पास में भी सिस्टम्स अवेलेबल है यहाँ पर। इसके ऊपर तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास में वायर्ड सेटअप भी है। काफी सारे इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो वहां पर सिर्फ वायरलेस आपको देखने को मिलता है, वो भी जनरल वायरलेस सेटअप होता है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर जो आईपी बेस्ड सेटअप है, ठीक है, ये बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिलेगा, मे भी नहीं भी मिलेगा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो वायर्ड सेटअप है, अगर कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस में वायरिंग करनी है तो वायर्ड सिस्टम का भी अपना फायदा होता है, कब उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें जितने भी सेंसर्स होते हैं सारे वायर्ड सेंसर्स होते हैं। ऑलराइट, तो काफी बड़ा सेटअप हमने आईडीएस का कर दिया है। अब आपको बहुत सारे फीचर्स मैं सिखा सकता हूँ आईडीएस कोर्स के अंदर। ऑलराइट, अभी हमने जो इसे लॉन्च किया हुआ है, हमने ऑफलाइन पर लॉन्च किया है। अगर आप ऑफलाइन में इस ट्रेनिंग को सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, लेकिन ऑनलाइन पर जैसे ही हमारा लॉन्च हो जाएगा फिर उसके हिसाब से ऑनलाइन वाले भी जो है इस कोर्सेज को कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंटीग्रेशन हमने लगा रखा है ऑलरेडी। जैसे हमारे इस जो आईडीएस सिस्टम होता है इसके अंदर हम दो आईपी कैमरा ऐड कर सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, यहां पर अगर मैं जा रहा हूं तो डिवाइस मैनेजमेंट में जाऊंगा, यहां पर नेटवर्क कैमरा, तो एक आईपी कैमरा भी मैंने इसके साथ में इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, जिससे कि क्या होगा यहां पर आप देख सकते हो। ये देखिए यहां पर आप देखोगे एक आईपी कैमरा मेरा यहां पर चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही कोई मेरे इस कैमरे के सामने जाएगा उस समय पर क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सायरन बजना चाहिए। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आप लोग को अभी ये सारी चीजें जो ओवरव्यू कराई है, अब मैं यहाँ पर आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि हमने क्यों हमारा एक आईपी कैमरा हमने आईडीएस सिस्टम के साथ में हमने लिंक किया है। इसी तरीके से आप NVR को भी अपने आईडीएस सिस्टम के साथ में लिंक करके आप मल्टीपल कैमरे को कनेक्ट करके आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन वो NVR के थ्रू होता है, वो भी हिक कनेक्ट एप्लीकेशन के लिए कंपलसरी होता है। ऑलराइट, यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि हम डायरेक्ट आईडीएस के ऊपर जो है हमने दो कैमरा, इसके अंदर लिमिट होता है जो हम ऐड कर सकते हैं। तो पहला कैमरा मैंने एक ऐड करके रखा हुआ है, इसका डेमोन्स्ट्रेट आपको दिखाने वाला हूं करके। अब देखिए कैसे करना है अभी हमें डेमोन्स्ट्रेट। अब हम यहां पर जो आर्म करेंगे सिस्टम को, मैं इस बार आर्म टैग से नहीं करने वाला, तो टैग मैं यहां पर रख देता हूं इस तरीके से। अब मैं यहां पर जो है डायरेक्टली हमारे की फॉब से करने वाला हूं, तो यहां पर मैं इसे आर्म कर देता हूं, सिस्टम आर्म हो चुका है। याद रखिए हमारा यहां पर हूटर तो बसता ही है, प्लस हमारे पैनल के अंदर भी इंटीग्रेटेड एक हूटर दिया हुआ है जिसका उतना डेसिबल लाउड नहीं है लेकिन फिर भी काफी काम का है। ऑलराइट, तो यहां पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ पूरा, पूरी तरीके से मैंने यहां पर आर्म कर दिया है, हमारा सिस्टम आर्म हो गया है। वहां पर कैमरा लगा हुआ है, वो देखिए, देखिए ये कैमरा है, मैं वहां पर जा रहा हूँ कैमरे की तरफ, एंड यू कैन सी, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने इंटीग्रेट करके। ऑलराइट,
तो इस तरीके से हमने डिसार्म कर दिया है अभी, और देख रहे हो कितना ऑसम और कूल फीचर हमारे इस पैनल के अंदर दिया गया है। ये तो छोटे छोटे फीचर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो बहुत कम कंपनियों के IDS सिस्टम और पैनल के अंदर देखने को मिलता है। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं और वीडियो लेकर आऊँ और डिटेल तरीके से आपको इसमें छोटे छोटे सेटिंग्स में आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको सिखाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके सपोर्ट करिए। और अगर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कोर्स करना चाहते हो हमारे किसी भी चीज़ के ऊपर, हमारा फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम सीखना चाहते हो, हमारा IDS सिस्टम सीखना चाहते हो, हमारा CCTV कैमरा सीखना चाहते हो, उसके बाद में हमारा जो है बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स के ऊपर हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं। सो ये सारे ट्रेनिंग्स लेने के लिए आप लोगों को दहिसर आना पड़ेगा मुंबई के अंदर, जहां पर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली इन सारे चीजों के ऊपर आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हो। ऑलराइट, सो इसी तरीके से हमने जो आपको एंटायर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, ये आप लोगों को इस सिस्टम का सिर्फ ओवरव्यू दिया है मैंने। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं लक्ष्मण आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन सी यू इन माय अनदर सेशन। बाय बाय।